हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट थॉट। मेरा नाम है समीर और ये बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि आज के डेट में हमारे देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 750 के पार चली गई। ये संख्या 775 के करीब है और वहीं मरने वालों के आंकड़ों पर नज़र डालें तो ये आंकड़ा 17 में पहुँच चुका है। और इन डरा देने वाले आंकड़ों को देखते हुए भी कुछ बेहुदा लोग हैं जो अभी भी रोड पर घूम रहे हैं, जबकि इन पे इतनी सारी पुलिस की कार्रवाई की जा रही है, लाठियां बरसाई जा रही है, फायर किए जा रहे हैं और फिर भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी अमेरिका चीन और इटली को भी पीछे छोड़ चुका है। अमेरिका के आंकड़ों पे नज़र डालें तो ये आंकड़ा 85,000 के पार पहुंच चुका है, जो बहुत ज़्यादा है और ये इसी लापरवाही का असर है। ये सिर्फ लापरवाही का असर है, वरना अगर पहले सचेत हो जाते तो ये आंकड़ा नहीं पहुंचता। और ये बात इन लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि कितनी डरा देने वाली स्थिति है। अभी कुछ देर पहले मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें पता चला कि अमेरिका के प्रेसिडेंट चीन के प्रेसिडेंट से फ़ोन पे बात किए हैं मदद के लिए। आप सोच सकते हैं, इस बात को सुन के आप समझ सकते हैं कि कितना भयावह स्थिति है कि अमेरिका चीन के सामने झुक गया। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। अभी जो G20 का सम्मेलन हुआ तो उसमें G20 के जितने भी देश हैं उन्होंने $5 ट्रिलियन की घोषणा की है मदद के लिए। ये बहुत अच्छी खबर है। जो स्थिति आज पूरे विश्व में हो रही है ये देखते हुए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि G20 के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और पता नहीं क्यों कुछ लोग इस चीज़ को नहीं सीरियसली ले रहे हैं। आज उन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये किसी का नहीं है, ये बीमारी ना अमीर का है ना गरीबों का है। पहले ही इंग्लैंड के जो राजकुमार हैं उनको भी ये बीमारी ने अपने चपेट में ले लिया है। और आज ही खबर आई कि जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं उनको भी कोरोना वायरस ने अपने चपेट में ले लिया है। तो उन लोगों को समझने की ज़रूरत है। और कहीं से बहुत दुख भरी खबर भी आ रही है कि जो लोग बिहार के हो या यूपी के हो, जो दिल्ली जैसे महानगरों में अपनी रोजी रोजगार के लिए वहाँ पर रहते हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, उनका रोजगार छीन चुका है और वो साधन के अभाव में पैदल ही वहाँ से कूच कर गए हैं बिहार और यूपी के लिए। और बीच रास्ते में जहाँ सरकार को उनको मदद देनी चाहिए वहाँ पे पुलिस कार्रवाई कर रही है, लाठी बरसा रही है। मेरे नज़र में ये गलत है। हाँ, मैं मानता हूँ कि सरकार ने कहा था कि जो जहाँ है वहीं रहे, लेकिन अब घबराहट से वो लोग सोच नहीं पाए या ये खबर उन तक पहुँच नहीं पाई। वो लोग अगर पैदल ही कुछ कर गए तो अभी फ़िलहाल तो वो एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाएं। लेकिन जो बीच में पुलिसिया कार्रवाई चल रही है, लाठी बरसाई जा रही है उनके ऊपर, बहुत गलत है। जहां आप दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को हवाई जहाज़ भेज करके अपने देश मंगवा रहे हैं, वहाँ दिल्ली और गुजरात से जो लोग अपने राज्य लौट रहे हैं, चाहे वो राजस्थान जाए या बिहार आए, यूपी आए, झारखंड जाए, तो उनकी मदद के लिए प्रशासन को आगे आनी चाहिए। कम से कम जिस स्टेट में वो है उस स्टेट के बॉर्डर तक भी उनको अगर पिक कर दिया जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेट जो भी आता है वहाँ से वो स्टेट के जो प्रशासन है वो उनको पिक कर लेंगे, अपने घरों तक पहुँचा देंगे उनको। ये जिम्मेदारी है, हर चीज़ लाठी से नहीं होती है। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस स्थिति को खराब करने के पीछे लगे हुए हैं। अभी सरकार और प्रशासन का मदद करने के बजाय वो लोग रोड पे घूम रहे हैं, लाठी खाते हुए भी रोड पे घूम रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में अभी सरकार की मदद करनी चाहिए और वो जहाँ तक हो पाए कॉपरेट करिए सरकार को, प्रशासन को। वो लोग भी हमारे ही सेवा के लिए लगे हुए हैं। इस चीज़ को समझिए कि अभी दिन रात पुलिस प्रशासन हो या मीडिया के लोग हो या डॉक्टर्स हो,
हमारी सेवा में लगे हुए, तो हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि हम उनकी मदद के लिए आगे आए। हाँ, बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, तो आप निकलिए, प्रशासन भी आपकी मदद करेगी, हेल्पलाइन नंबर है उन पर फोन कीजिए, आपको मदद दी जाएगी। लेकिन ऐसे देखने के लिए रोड पे हम निकल जाए तो ये सही नहीं है। मेरे हिसाब से इस चीज़ को समझनी चाहिए हम सभी को, और घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम बी सेफ। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की को ऑन करें, जिससे कि हमारी जो भी वीडियोस हो या कोरोना और देश के संबंधित जो भी अपडेट्स आए वो सीधा आप तक पहुँचे। धन्यवाद।